बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों, आज एक प्रपोजल आया है एमसीजी, जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से कि वो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज हो एमसीजी में। तो एमसीजी जो कि दुनिया के बहुत बड़े ग्राउंड्स में आता है, जहां 90,000 1 लाख के करीब तमाशाई मैच देख सकते हैं। और हालिया अभी 2 ढाई महीने पहले इंडिया और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ था, बहुत ही थ्रिलिंग मैच था, वो एमसीजी में ही हुआ था। तो इंडिया और पाकिस्तान की जो बायलैटरल टेस्ट सीरीज है, वो तो 2007 से अभी गालिबन 15-16 साल हो गए, पाकिस्तान की कोई भी बायलैटरल या टेस्ट सीरीज इंडिया के साथ नहीं हो सकी। तो बहुत ज़्यादा इसकी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह भी इंडिया पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज है, जो कि क्रिकेट की हमेशा एशेज से भी ज़्यादा देखी जाती है और लोग पसंद करते हैं और लोग वेट करते हैं, इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज हो। आप अगर अर्ली 2000 में देख लें, 2004 की सीरीज हो, 2007 की सीरीज हो, तो बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप होती है इंडिया पाकिस्तान का। जो अगर वैसे ही कोई मैच होता है टेस्ट मैच की, तो और ज़्यादा व्यूअरशिप होगी। तो उम्मीद तो बहुत कम ही नज़र आती है, कि क्योंकि इंडिया का जो बोर्ड है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंडर आता है। वो कहते हैं कि जब तक उनको अपनी गवर्नमेंट से, अपनी हुकूमत से कोई क्लियरेंस नहीं मिलती, उनकी हुकूमत उनको इजाज़त नहीं देती, तो वो पाकिस्तान से किसी भी किस्म का जो बायलैटरल क्रिकेट है, बायलैटरल सीरीज की कोई भी वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी बात है कि क्रिकेट को भी पॉलिटिक्स के साथ नथी करना, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है, उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है कोई। अब आप देख लें, इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है वो मैच देखने के लिए, और वो बहुत शौक से देखा जाता है। तो ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया जो एमसीजी है वो ऑफर कर रहा है, फिर इससे पहले इंग्लैंड ने ऑफर किया था कि वो चाहते हैं कि उनके मुल्क में इंडिया पाकिस्तान की कोई बायलैटरल टेस्ट सीरीज हो। तो ये मुल्क इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो उसमें टिकट्स बिकेंगी, उसमें बड़े बड़े स्पॉन्सर आएंगे, उसमें आई बॉल्स की जो है ना, बहुत एक समझ लें एक बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट होगा उससे। तो इस वजह से ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वो इतने इंटरेस्टेड हैं। अब इंडिया पाकिस्तान के लोग वैसे ही वो इतनी ज़्यादा नफरत नहीं करते एक दूसरों से, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से, दोनों तरफ के जो पॉलिटिशियन हैं उनकी वजह से एक नफरतें से बैठ गई हैं। अब इंडियन पाकिस्तानी अगर वो दुबई में चले जाएँ, मस्कत में चले जाएँ, बहरीन में चले जाएँ, या दुनिया में किसी भी कोने में, इंडिया पाकिस्तानी बहुत वो दोस्तियां भी हैं उनकी, वो साथ बैठकर खाते भी हैं, उनकी गपशप भी लगती है, तो आपस में उतनी नफरतें नहीं है। हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का एक एक कल्चर ही यही है कि भाई हमने हमने वेलकम करना है। अब अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में आती है तो पाकिस्तान में भी खेल सकती है इंडिया की टीम। अगर विराट कोहली आते हैं, ऋषभ पंत आते हैं, केएल राहुल आते हैं, हार्दिक पांड्या आते हैं, तो लोग उनको यहाँ वेलकम करेंगे, उनको प्यार देंगे, उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। विराट कोहली की कितनी ज़्यादा सपोर्ट है पाकिस्तान में, लोग विराट कोहली की बैटिंग को सपोर्ट करते हैं, देखना चाहते हैं अपने ग्राउंड्स में इंडिया के मैचेस। तो ये सजेशन तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वो है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज दोबारा से रिवाइव हो, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम नज़र आते हैं, क्योंकि इंडिया की जो बोर्ड है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंडर आता है। वो हमेशा यही कहते हैं कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें इजाज़त देगी, और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कहती है कि पाकिस्तान टेररिज्म ख़त्म करेगा या दहशतगर्दी वो करेगा तब हम जाके। तो फिर ये ब्लेम गेम चलती ही रहेगी, फिर दोबारा इस तरह से क्रिकेट कभी भी रिवाइव नहीं हो सकेगी। दोनों जो बोर्ड्स हैं उनको सोचना चाहिए, इनफैक्ट गवर्नमेंट्स को भी सोचना चाहिए कि अगर हमें मोहब्बतें बढ़ानी है, हमें जो टेंशन हैं, हमें जो एक तनाव का माहौल ख़त्म करना है, तो हमें स्पोर्ट्स को फ़र्वा देना होगा। माजी में बहुत सारी जो क्रिकेट डिप्लोमेसी होती रही है, जब 2011 का सेमीफाइनल हुआ था मोहाली में, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे उस वक्त, उन्होंने जाके वहाँ पे सेमीफाइनल देखा था। फिर
जनरल परवेज मुशर्रफ इंडिया गए थे इंडिया पाकिस्तान मैच देखने के लिए, उससे पहले जनरल जियाउल हक और इंदिरा गांधी साथ में जो है ना क्रिकेट मैच देख चुके हैं। तो जो क्रिकेट है ये एक रीजन भी बन सकता है इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, उनको कम करने के लिए। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर पाकिस्तान की कोई टेस्ट सीरीज हो इंडिया से, ताकि जो देखने वाले हैं वो उनको भी एक अच्छी एक तगड़ी क्रिकेट देखने को मिले। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।